हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के डेट में दो वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यू लिस्टेड स्टॉक जिसका नाम है सनसेरा सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड ये आपको अगर हम देखे तो कल की डेट में यहाँ पर आ, फ्राइडे को मेन यहां पर लिस्ट होती हुई दिखाई देती किस कंपनी क्या करती हुई दिखाई देती है उससे रिलेटेड और एक अगर हम बात करें बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर बल्क डील में यहाँ पर शेयर खरीदते हुए इस पर्टिकुलर कंपनी के नजर आए थे तो अगर हम बात करें उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अभी है या नहीं है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करें इन करेंगे कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे एज वेल अगर हम यहाँ पर देखें आज की डेट में दो वीडियो आ चुके हैं दोनों वीडियोस को जाके यहाँ पर आप, आप वॉच करिए गो थ्रू करिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए बाकी कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है प्ले लिस्ट को थ्रू करना है तो आइए वीडियो की तरफ से हम चलते हैं हम बात कर रहे हैं सेंसेरा की सबसे पहले हम सेंसेरा के बारे में जान लेते हैं कि करती क्या है देखिए ये इंजीनियरिंग लैंड इंटीग्रेटिव मैन्युफैक्चरर है अगर हम यहाँ पर बात देखते हैं तो यहाँ पर डिजाइन इंजीनियरिंग में कंपनी काम करती हुई नजर आती है सभी टूल डिजाइन करती हुई नजर आती है ऑटोमेशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है मशीन डिजाइन में कंपनी प्रोडक्ट की बात करें तो ऑटोमेशन और दोनों सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहां पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा देखिए ऑटोमेटिव में टू व्हीलर फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है नॉन ऑटोमेटिव की बात करें तो ऑफ रोड व्हीकल्स एज वेल एज एग्रीकल्चर ट्रैक्टर वगैरह से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है एरोस्पेस से कंपनी रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है और इंडिया यहाँ पर मेडिकल इम्प्लांट्स implant, में कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो यहाँ पर जो फोर्जिंग और मशीन पार्ट्स जो बनाती हुई नज़र आती है ये कंपनी बनाती हुई नज़र आती है एज वेल एज ई में कंपनी का बनाती ई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हुई नजर आएगी यहाँ पर देखिए

और यहाँ पर पता चलेगा आपको देखिए यहाँ पर और एज वेल एज डेमल फोक्स वैगन और जेसीबी ये कंपनी इनके अः सारी की सारी क्लाइंट्स है इसके अलावा पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वाइज अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी यहाँ पर किस सेगमेंट में किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है तो एक बार इनकी यहाँ चले जाएंगे तो देखिए टू व्हीलर

ये कंपनी बनाती हुई नजर आएगी यहाँ पर अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स उसमें जो जो भी ये ये चीज पार्ट्स है ये सारी कंपनी बनाती हुई नजर आती है फोर व्हीलर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो फोर व्हीलर में देखिए ये जो ट्रांसमिशन uh, पार्ट्स है ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स में आएंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स में आपको पता चलेगा ये सारे के सारे जो ये इंजन पार्ट्स यहाँ पर ट्रांसमिशन यहाँ पर चेजेस एज वेल एज यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है मतलब ये बनाती हुई नजर आती है तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं डील की देखिए ये शेयर की बात करें तो कल की डेट में परसों की डेट में लिस्ट हुआ था और यहाँ पर देखिए बड़ी डील तो यहाँ पर देखिए नोमोरा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार तो यहाँ पर देखिए सनसेरा शेयर सेटेलाइट एट एटीन पर सेटल होता हुआ दिखाई दिया मतलब दस परसेंट का गेन यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग मैनुफैक्चर इंजीनियरिंग विटनेस पर अच्छी खासी प्रीमियम uh, well तो पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि स्टॉक्स किस तरीके से ऊपर भगता हुआ दिखाई दिया था तो अगर हम बात करें देखिए नोमोरा नोमोरा आपको ही है प्लोटूज प्लो वेल्थ मैनेजमेंट आई आई एफ एल अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और फोर पॉइंट सेवन सेवन परसेंट मतलब पांच परसेंट के स्टेक्स यहाँ पर इंजीनियरिंग में पर इसने से यहाँ पर लेते हुए दिखाई तो पर अगर हम देखते हैं तो सिक्स लैख ना आयरलैंड ने एट ट्वेंटी रुपीज पर प्राइस पे लिया है आ, हम अगर बात करते हैं प्लूटोज वेल्थ मैनेजमेंट एल की तो यहाँ पर फाइव लैख शेयर एट इलेवन पे लिया है धाबी की बात करें तो यहाँ पर देखिए फोर लैख एटी से

तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए सनसेरा इंजीनियरिंग सब ने यहाँ पर बाइंग करी है प्लूटोज आई एफ एल आई एफ एल एसड मैनेजमेंट अबू धाबी इवेस्टमेंट इन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी है तो यहाँ पर थोड़े बहुत टाइम में हम देख सकते हैं कि ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं तो हम यहाँ पर चलते हैं मार्केट कैपिटल चार हजार दो सौ छह करोड़ की मार्केट कैपिटल uh, है स्मॉल कैप कंपनी है पीई की बात करें फोर्टी थ्री आर ओ सी यहाँ पर ट्वेल्व इलेवन इतनी ही रहती है इनकी डेट की बात करें लगभग पचपन परसेंट का डेट भी है कोई शेयर यहाँ पर प्लेस भी नहीं है दो की फेस वैल्यू है और यहाँ पर अगर हम

पर अगर हम आज की डेट की बात करते हैं देखिए यहाँ पर मार्केट में लिस्ट हुआ लिस्ट होने का अच्छा खासा ऊपर भागा और यहाँ पर इस प्राइस पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा देखिएगा ओके थोड़ा सा वेट करिएगा Uh, और अगर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं तो वो करिए बट यहाँ पर मुझे जिस तरीके से यहाँ पर बल्क डील हुई है उस तरीके से यहाँ पर ये यह शेयर कभी भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है जिस तरीके से यहाँ पर बल्क डील हुई है तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा अपने वॉच लिस्ट में रखिए जिस uh, अच्छा खासा अगर आपको लगता है तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी uh, यहाँ पर कंपनीज ने यहाँ पर uh, यहाँ पर एफ ने इन्वेस्टमेंट करी है डी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं थोड़े थोड़े जो आप एक एक शेयर दो दो शेयर

के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि डेटा है ही नहीं बट एक अच्छी खासी ग्रोथ यहां नजर आ रही है तो आप सोच भी सकते हैं तो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस